पठानकोट शहर में भद्रोआ स्थित सैनी फोर्स में निशुल्क आयुर्वेदिक व होम्योपैथिक कैंप जिला आयुर्वेदिक अफसर नवल किशोर की अध्यक्षता में लगाया गया। इस कैंप में डॉक्टर मंजू, डॉक्टर सुधीर, डॉक्टर मुलखराज, डॉक्टर शिफाली, डॉक्टर कुलदीप कौर, डॉक्टर संगीता पॉल व डॉक्टर ओपी विग विशेष रूप से पहुंचे। इस बारे में जानकारी देते हुए नवल किशोर ने बताया कि ये कैंप सेहत मंत्री पंजाब सुरजीत सिंह जियानी, डायरेक्टर आयुर्वेदिक पंजाब राकेश शर्मा व डायरेक्टर होम्योपैथिक डॉक्टर रमेश शारदा के आदेश अनुसार लगाया गया है। इस कैंप में लगभग 800 से ज्यादा मरीजों का निशुल्क चेकअप किया गया और उन्हें निशुल्क दवाइयां भी दी गई। ये आयुष कैंप होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक विभाग की तरफ से सैनिया के वाली हवेली में भद्रोआ पठानकोट में लगाया जा रहा है। इस कैंप में सबसे ज्यादा योगदान जो है श्री करमजीत सिंह सैनी और उनके भाई साहब का रहा है। इस कैंप में फ्री चेकअप और फ्री दवाइयाँ लोगों को दी जाती हैं, ऐसी दवाइयाँ आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक दवाइयाँ जिनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आज भद्रोआ में मेडिकल कैंप लगाया गया हमारे आयुर्वेदिक डिपार्टमेंट की तरफ से, जिसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट आयुर्वेदिक ऑफिसर डॉक्टर नवल किशोर शर्मा ने काफ़ी अलग अलग डिपार्टमेंट से डॉक्टर्स की ड्यूटी भी लगाई है। यहाँ पे अभी तक कैंप पे करीब करीब 700 से 800 मरीजों का चेकअप हो चुका है, जिन्हें हमारी तरफ से दवाइयाँ भी मुफ्त में दी जा रही हैं। मैं सब लोगों से बस इतनी ही गुजारिश करना चाहती हूँ कि आयुर्वेद में हर बीमारी का बहुत अच्छा इलाज उपलब्ध है, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपना विश्वास, अपना भरोसा आयुर्वेद ट्रीटमेंट में, आयुर्वेद प्रणाली में दिखाएं, आयुर्वेदिक दवाइयाँ खाएं और इनका लाभ उठाएं। इन दवाइयों का कोई भी सेहत को या अलग से साइड इफेक्ट नहीं है।